सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा क्विज है वह हम वर्ग नामक का इतिहास है भूगोल के विषय का जो है अंतिम अध्याय आपदा प्रबंधन पर जो है विशेष चर्चा करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपदा प्रबंधन पर विशेष जो है रूप से फोकस किया है। तो आपदा प्रबंधन बच्चों, आप लोगों को जानना चाहिए कि आपदा पर जो है हमने आपको निर्देशन में लिखवाया है आपदा कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक जो है प्राकृतिक आपदा के बारे में आपको हमने बताया है। इसमें प्राकृतिक आपदा में एग्जाम्पल में हमने भूकंप किया है, तो आज भूकंप के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए बच्चों, जाहिर सी बात है कि हमने यहाँ पे लिखा है कि भूकंप के बारे में, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जो पृथ्वी के अंदर प्लेटों के आपस में टकराने के कारण उत्पन्न होती है। जिस स्थान पर प्लेट टकराती है वह भूकंप का अधिकेंद्र कहलाता है, वहाँ क्षति अधिक होती है। तो बच्चों, ये तो रहा भूकंप के बारे में। तो अब आइए हम लोग जानते हैं कि शब्द इसमें आया है प्लेटो। तो प्लेटो यानी कि प्लेट, प्लेट किसे कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं पृथ्वी के अंदर अधिक ताप होती है। हम लोग निचले क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर जो है अधिक होते जाते हैं। तो जो भी तत्व एलिमेंट्स होते हैं वह जो है, जैसे कि मान लीजिए पर्वत पहाड़ हम देख रहे हैं, ये जो है पिघलिंग रास्ता में जब ताप अधिक पड़ती है तो पिघल जाती है। तो मैंने पृथ्वी के बाहर नहीं बल्कि पृथ्वी के अंदर जो है टेम्परेचर अत्यधिक होती है, जिसे ये जो भी एलिमेंट्स तत्व होते हैं ये जो पिघलिंग अवस्था में पाए जाते हैं, वह अगर पृथ्वी के अंदर एक परत बना लेते हैं और परत बनाने के फलस्वरूप जो है धीरे धीरे खसकते रहते हैं और वह चलते रहते हैं। तो जो है यही प्लेट जब आपस में टकराती है तो उस स्थान पर कंपन उत्पन्न होती है, तरंग उत्पन्न होती है, जिसका असर पृथ्वी के ऊपरी परत पर पड़ती है, जिसे उसे भूकंप का नाम से जाना जाता है। तो भूकंप जो होती है बच्चों, ये इससे अत्यधिक जान माल की क्षति होती है, ठीक ना। तो जिस स्थान पे प्लेटें टकराती हैं वहाँ पे जो है उसे भूकंप का अधिकेंद्र कहा जाता है। मान लीजिए इधर से भूकंप का प्लेट आ रही है, इधर से प्लेट आ रही है और यहाँ पे एटोमेटिक टकरा जाती है, तो आप देख रहे हैं इसकी एरिया जो होती है या जो
यहाँ पे जो इसकी छवि या यहाँ पे भाग होता है वह स्थान पे जो है अत्यधिक जो है क्या होती है अत्यधिक क्षति पहुंचती है, जबकि इसका जो है प्रभाव कम होते जाता है। ठीक ना बच्चों? तो आप लोग को जानना चाहिए कि भूकंप एक बहुत ही भयावह प्राकृतिक आपदा है, जिससे मकानें ढह जाती हैं, सड़कें टूट जाती हैं, पुल टूट जाती है, बाढ़ टूट जाती है, अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक ना बच्चों? तो अब रहा सवाल कि भूकंप के प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है। बच्चों प्राकृतिक आपदा जो होती है उसका पूर्वानुमान खास करके जो है ये भूकंप, तो भूकंप या सुनामी ये जो चीज होते हैं या त्वरित भूकंप या भूस्खलन, इस सब के बारे में पूर्वानुमान मैंने कि पहले से अनुमान लगाना कि ये घटना घटित कब होगी, इसका जो है आकलन नहीं हो पाता है। इसका अर्थ कोई हमें सटीक इसका कोई समस्या का समाधान ढूंढने में के लिए कोई यंत्र या कुछ ऐसा आविष्कार नहीं हो पाया है जिससे कि हम लोग जो है इसका पूर्वानुमान लगा सकें और इसे अपने को पहले से सचेत कर लें। हाँ, ये कब घटित होगी इसका अनुमान नहीं होता है। ठीक ना बच्चों? तो ऐसे में विज्ञानी जो है लगातार शोध में जुड़े हुए हैं और इसका जो है ऐसे में प्लेटों के घसकने की क्रिया को जो है वैज्ञानिक भाप लेते हैं और पहले से जो है वो सतर्क करते हैं कि कभी भी भूकंप आ सकती है, लेकिन कब आएगी इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है। ठीक ना बच्चों? तो आप लोग जान जाइए कि यह प्राकृतिक आपदा है, इसके प्रभाव कम करने के लिए सबसे बड़ा उपाय है कि जो है आप जो भी मकान बनाए वो भूकंप रोधी बनाए। ठीक ना? भूकंप रोधी मकान बनाइए, जब भी जो है भूकंप आए घर से बाहर निकल जाइए और खुले स्थानों पर चले जाइए। ध्यान आना चाहिए कि खुले स्थानों पर कोई तार या बिजली का जो है हाई वोल्टेज का तार इत्यादि ना हो, नहीं तो अगर भूकंप से बिजली की तार अगर देह शरीर पर गिर जाती है तो उससे भी क्षति हो जाती है, उससे लोगों की मृत्यु होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। किसी बेंच या टेबल के नीचे गद्देदार चीज को माथे पर रखकर छुप जाना चाहिए। ठीक ना? किसी दीवार के कोने में, और जो है हम लोग को जो है पृथ्वी के अस्तित्व को बचाने के लिए थोड़ा सा लोगों को जो है जागरूक भी करना चाहिए, अधिक से अधिक जो है लोगों को एक नुक्कड़ नाटक या से या जैसे भी हो लोगों को जो है उससे भूकंप के बारे में अधिक से अधिक जानकारियाँ भी देनी चाहिए। तो आए भी जो है लोग जो है भूकंप जब आते हैं तो घरों में छुपने भाग जाते हैं। मान लीजिए कि मकान पुराना है और घर में छुप रहे हैं तो मकान जो ढह जाए तो उसमें से भी हम लोग को अधिक से अधिक जान माल की क्षति होती है। तो बच्चों कभी भी भूकंप आए तो हमें खुले स्थानों में चले जाना चाहिए। तो इस चीज को आप लोग फेयर कॉपी में लिखेंगे। तो बच्चों आज के विनोद में इतना ही, आप लोग मुलाकात करें, जो भी बातें आप लोगों को हम बता रहे हैं उस पर जो है आप लोग विशेष रूप से फोकस करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।